फर्स्ट पार्ट ऑफ द शो में हमने जी डिस्कस किया कॉलोनाइजेशन के बाद इंग्लिश जब लागू की गई और हमने इसको एक स्टेटस सिंबल बना लिया, तो क्या उस टाइम राइट नहीं था हमारा कि हम अपनी ही ज़ुबान को फ़रोग देते। सेकंड सेशन में जी हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के, पैनल भी मेरे पास मौजूद है यहीं पे। सो लेट्स इंडल्ज एंड लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। जी आपका कोई सवाल है? मेरा ये सवाल है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, एज़ अ स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, तो एज अ स्टूडेंट एज अ इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो कोई यहाँ पे राइट नहीं है, कुछ हम नहीं कह सकते। सब इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं? नो, हम मैनेजमेंट साइंसेस से हैं। मैनेजमेंट साइंसेस से? यस राइट। और आप पढ़ाई सारी अंग्रेजी में करते हैं? राइट, अंग्रेजी में करते हैं। हमें तो पहले ही प्रेजेंटेशंस पहले ही बोल दिया जाता है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। एग्जैक्टली। तो इसका क्या रूट प्रॉब्लम है, ये क्या कैसे खत्म हो? सवाल किससे करना चाहेंगे? कोई भी जवाब दे दे मुझे, बस इस बात का जवाब चाहिए मुझे। जी मैं फिर देखिए पलट के मैं आऊँगा लैंग्वेज पॉलिसी की तरफ। लैंग्वेज जब का सवाल एक कौम पे आता है, कौमी जबान कौन सी हो, जब एक डिसाइड हो जाए उसके बाद फिर ये करते हैं कि एक टर्म यूज़ होती है एलेबोरेशन। आप उस जबान को एलेबोरेट इस तरह करते हैं कि वो साइंस को समोस होकर अपने अंदर हर मौजू पर बात कर सके। उर्दू के लिए कुछ नहीं हुआ। मैं आपको छोटी सी मिसाल, अब देखिए दाएं बाएं हमारे, अभी आपने कहा क्लोजिंग करें, ओपनिंग करें, कैमरा है, ये सब कुछ, ये टर्म्स कहाँ से आई हैं? इनमें से एक भी हमारे पास उर्दू के लिए नहीं है। क्यों? कि इन इदारों ने काम नहीं किया। अब जो वो बात कर रही हैं जो मैनेजमेंट साइंसेस है, उस पर सारी किताबें देखिए कहाँ से आ रही हैं, मगरब से आ रही हैं। अब जब ये पहिया उल्टा घूमेगा ना, जब ये किताबें हम लिखेंगे और अपनी ज़बान में लिखेंगे, वो पढ़ेंगे, तो फिर ये होगा कि यहाँ के लोग, उनको अभी मजबूरी ये है कि अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या इंग्लिश या इंजीनियरिंग आईटी अगर आप उर्दू में पढ़ के जाते हैं, अव्वल तो टर्म्स ही नहीं है उसके लिए, अल्फाज ही नहीं है, अगर हों भी तो आपको इंटरव्यूज, जॉब, हर चीज़ अंग्रेजी में करना पड़ेगी। पलट के फिर वो इदारों पर सवाल आ जाता है, तो फिर तो वही बात नहीं आ जाती है कि वो ज़बान जो उर्दू है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती दिखाई दे रही है, कि अगर हम अपनी किताबों को ही सारी अंग्रेज़ी में लेके आ रहे हैं, सही है, बाहर से आ रही हैं, हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं, कोई भी शायर नहीं, कोई भी अदीब नहीं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उस किताब को, जिस तरह आपने बोला स्टार्ट में, कि उस उन अल्फाज को उर्दू में कन्वर्ट करके हमारे स्टूडेंट्स को समझा। इसके लिए इदारे ही का काम होता है। जहाँ तक आपने बात की, अदीब जो लोग होते हैं, शोरा पाकिस्तान में हज़ारों में बड़े अच्छे मेयार की शायरी हो रही है और नावल लिखे जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो आपने बात की, एक इदारा होता है, आगे उसके मुलाजमीन होते हैं, मिल के काम करते हैं, इनका तजुर्बा होता है इस चीज़ में। बिल्कुल। आप देखिए कंप्यूटर की इतनी चीज़ें हैं, आप लिख लें, माउस से लेके सीपीयू तक आप देख लें, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है, उसके लिए पूरी टीम चाहिए। अगला सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कंबर शकील है, मैं मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट से हूँ। जिस तरह मैम कह रही थी कि ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो उर्दू बोले, उर्दू में लिखे बुक्स या फिर जो कोई जो भी, लेकिन हम ये देखते आ रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने उर्दू में शायरी की, बुक्स भी लिखे, लेकिन कोई ऐसी बड़ी चेंजेस हमने नहीं देखी। तो क्या isn't it necessary to take the step from higher level? ये ज़रूरी नहीं कि हम ऊपर से स्टेप लें, क्योंकि अगर हमारी यूनिवर्सिटी में ये क्राइटेरिया है कि भाई आप इंग्लिश बोलो, आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दो। अच्छा, यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया है ये? लेट्स सपोज सारे टीचर्स अगर ये कहते हैं कि भाई आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दो, अगर आप उर्दू में दोगे तो आपके नंबर्स ऑलरेडी कम है, या फिर हम जिस तरह सर ने कहा कि CSS में जब अगर मैं कहूँ कि मुझे CSS करना है तो हर कोई मुझे ये कहता है कि भाई आप इंग्लिश वोकैबुलरी अपनी अच्छी करो, आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी हमें यह नहीं कहता कि आप उर्दू बुक्स पढ़ो, उर्दू वोकैबुलरीज याद करो। क्यों? क्योंकि ये ऊपर लेवल से हमें यही चीज़ हम पे इम्पोज की गई है। तो क्या ये ऊपर लेवल की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऊपर से इस चीज़ को चेंज करें ताकि हम नीचे से भी चेंज होना शुरू हो जाए? जी मैम, देखिए आप लोग अभी स्टूडेंट लेवल पे है ना, तो आपको यूनिवर्सिटी जो भी सिखा रही है, ठीक है, इन्होंने भी बात की, सर ने भी बात की, किताबें हमारे पास अंग्रेज़ी में है, ठीक है, जो कंटेंट है वो अंग्रेज़ी में है। आप अगर उर्दू की प्रेजेंटेशन देते भी हो, राइट, तो उसमें जो मेन कंटेंट है, जो मेन आइडिया है, जो मेन डेफिनेशन है या कुछ भी है,
वो अंग्रेज़ी में मौजूद है जो कि आपने बताना होगा अपनी प्रेजेंटेशन में, जिस चीज़ के ऊपर भी है। आज मैं अगर अपने किसी भी स्टूडेंट को कहूँ ना कि अच्छा जी उर्दू में प्रेजेंटेशन तैयार करके लेके आए, ठीक है, तो उसको उसके हाथ पैर जो है ना काम करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा अच्छा ये मैं इस लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करूँ, इस आइडिया को कैसे एक्सप्लेन करूँ। हम एक बहुत कंफर्टेबल जोन में रह रहे हैं जहाँ हमारा जब दिल चाहता है तो हम अंग्रेज़ी बोलना शुरू हो जाते हैं, जब दिल चाहता है तो उर्दू बोलना शुरू कर देते हैं। एज अ पॉलिसी अगर हम पे इम्प्लीमेंट हो गया, सर ने एक चीज़ और आइडेंटिफाई की थी कि जब उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे थे, जब ज्योग्राफी जो थी वो माशरती अलूम बन गई, ठीक है, ज्योग्राफिया सॉरी सोशल स्टडीज थी वो माशरती अलूम, ठीक है, तो हम लोग जो थे एज स्टूडेंट्स, एज स्कूल स्टूडेंट्स, अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें, इसको पढ़ें कैसे। एक यूनिफॉर्मिटी, एक एग्जीक्यूटिव लेवल डिसीजन ऐसी होनी चाहिए जिससे कन्फ्यूजन इन द नेशन ख़त्म हो जाए। बट इन द केस, इन द सिनेरियो दैट वी डोंट हैव दिस, वेयर वी कैन प्ले विद लैंग्वेजेस, सिंस वी आर अ कंट्री दैट हैज़ अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, हमें कंफर्टेबल फील करना चाहिए। और आई थिंक मसला भी यही है शायद कि हम कंफर्टेबल फील ही नहीं करते उर्दू में, बट वी विल टॉक मोर अबाउट दिस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी बातचीत चल रही है जी इंग्लिश लैंग्वेज पे और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी ज़ुबान को फ़रोग़ देने में। हमारे पास एक सवाल है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रामीन है और मैं मैनेजमेंट साइंसेस डिपार्टमेंट से हूँ। तो मेरा क्वेश्चन सर से था, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ टर्म्स ऐसे जिनके लिए उर्दू में वर्ड नहीं है, मतलब कि जैसे सोफ़ा, उन्होंने बताया, तो मैंने ये कहना था कि हमारी 4 ईयर डिग्री में उर्दू का सब्जेक्ट ही नहीं है। बिल्कुल, तो उसके लिए फिर क्या करें? ठीक है, अब तो ये तो उन्होंने कहा टर्म नहीं है, लेकिन जिन्होंने सब्जेक्ट नहीं रखा फिर उसमें हमें क्या करना चाहिए? राइट, और इसी सवाल को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता चलूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बेसिकली ये डिसीजन दिया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया जाए इंस्टीट्यूट्स में उर्दू को। ओरल कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग दो सब्जेक्ट्स हैं मास कम्युनिकेशन के, आई बिलीव वो अभी तक इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ या कैंपसेस क्या कर रही हैं उसको आगे ले जाने के लिए या इसको हल करने के लिए? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक? 2 साल पहले एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दी है, जैसे नारायण मैम का भी सवाल था जी। ये चीज़ मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। राइट, देखिए अभी थोड़ी तब्दीली आई, हमारे वीडियो कॉन्वर्सेशन हुआ उसकी जो तकरीर उर्दू में होती है, right. पहले अंग्रेज़ी में होती थी, लेकिन अब ये कैसे हो सकता है कि मैथ्स कॉम या आईटी का कोई मजमून आप पढ़ाने? आईटी की बात ही नहीं कर रहे हम सर, हम बात कर रहे हैं अब देख लें क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं वो आप उर्दू में भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा ही है? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़। देखिए बात फिर वही है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपने कहा ना, वो एक मजमून होगा। हाँ जी, उसके अंदर हज़ारों टर्म्स होंगे। हाँ जी, अब जब आप उसको पढ़ाएंगे और जो अल्फाज जिनके ऐसे मतलब नहीं हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल जो वर्ड्स होते हैं, था थी गाग ये ऐसे, ये उर्दू में इस्तेमाल कर भी लें तो जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं, जो मेन मतलब अपने अंदर लेके चलते हैं समझते हैं उनको अंग्रेज़ी में, वो हैं अंग्रेज़ी में, आप क्या कर रहे हैं उसको पढ़ा के? राइट, और इनका जो सवाल था वो बेसिकली ये था कि कितने साल की डिग्री आपकी? 4 ईयर्स डिग्री है, लेकिन उसमें उर्दू का सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन उर्दू का सब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या ये भी ऊपर से ही ठीक होगा या ये इंस्टीट्यूट्स की? देखिए तो HEC वाले हमें कहते हैं कि कंपलसरी मज़ामीन आपके 5-6 हैं, आपने पढ़ाने हैं, उनमें उर्दू नहीं है। राइट, तो हम नहीं पढ़ा सकते। तो अगर HEC ये बोल रही है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है, आप चूंकि बड़े हैं, आपकी ऑब्वियसली कोई मीटिंग्स तो होती होगी, कोई आपसे मशवरा करते हैं या आप सजेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को कि भाई दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट? वो ठीक है जो आप सजेस्ट करते हो, हम पढ़ा रहे हैं, यानी मतलब ये तो वही राज सा हो गया ना, ब्रिटिश राज सा ही हो गया हम पे कि ऊपर से एक ऑर्डर आ गया है कि भाई अब यही करना है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं ख़ुद को, डेमोक्रेसी वैल्यूज़ हैं हमारी, तो हमें खुद कुछ नहीं, मतलब मैं नहीं जा सकता, ये बच्चे नहीं जा सकते, बट ऑब्वियसली आप बड़े हैं
तो आप कुछ उसको चेंज करने के लिए कुछ कर सकते हैं या कुछ कर रहे हैं जी? उसमें एजीज ने थोड़ी सी गुंजाइश दी हुई है इन कोर्सेज की, right. उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जनरल हैं, कंपलसरी हैं, कोर हैं, right. उसमें मेरा ख्याल है उर्दू की जगह बन सकती है, right. लेकिन 8 सेमेस्टर्स में 48 कोर्सेज में से अगर एक कोर्स उर्दू में हो जाएगा तो मेरा ख्याल उसको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट. आप देखिए ज़बानों को फ़रोग हमेशा मिला है, ये ट्रिकल डाउन होता है, टॉप डाउन अप्रोच होती है. जहाँ ज़बान को फ़रोग मिला है वो नेशनल अपना लीडरशिप की तरफ से मिला, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हुई है ज़बान को तरक्की मिली, राइट. हमारे पास एक और सवाल है जी. जी सर, आजकल हमारे लिए चाइनीज़ जो है एज फॉरेन लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है. खैर वो सुप्रीम कोर्ट वो तो अलग बात है. सर मैं समझता हूँ इज़ ए क्रिटिकल कि वो जो नियर फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो सर वो अनरियलिस्टिक अप्रोच है मेरी कि वो इंग्लिश पे चाइनीज़ की वजह से या सीपेक की वजह से कोई बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है. लेकिन सर वो 5 to 6 decades मेरे ख़्याल में चाइनीज़ जो है वो ऑफिशियल वो जगह ले लेगी और वो जो इंग्लिश है वो एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज़ होती चीज़. सवाल मैंने तो सर आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं इसके बारे में? यही इसी बात पे हमारी डिस्कशन हुई स्टार्ट में कि अगर 70 साल से हम अंग्रेज़ी बोलते आ रहे हैं और अभी मैंडरिन हमें पढ़ाई जाना स्टार्ट हो गई है, जो कि कुछ स्कूल्स में आ गई है और कुछ स्कूल्स में ऑब्वियसली आगे बढ़ती रहेगी, तो क्या अगले 70 साल हम मैंडरिन बोलेंगे? हमारी अपनी शनाख्त ही ख़त्म. हम 70 साल से इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, हम उससे बहुत पहले से बोल रहे हैं. मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ क्योंकि अपेरेंटली हमारी आज़ादी हमें मिल चुकी है. तो जैसे रहीन साहब ने भी मतलब ही इज़ आस्किंग लिटरली द सेम क्वेश्चन, पर माइंडसेट हमारा पहले का बना हुआ है, लोग हम वही हैं जो पीछे से चले आ रहे हैं, राइट. सर आप और सवाल लेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद. Right, Next question. Sir, I am student of international relations and the question is why are we still stuck in this language barrier? Colonialism से पहले पाकिस्तान बनने से पहले अगर देखा जाए तो एक तनाज़ा था उर्दू हिंदी तनाज़ा, उसकी वो एक मेन रीज़न है पाकिस्तान बनने की. उसके बाद ऑनवर्ड्स आप देखें तो बांग्लादेश की लैंग्वेज का और पाकिस्तान की उर्दू लैंग्वेज का एक तनाज़ा चला, सेपरेशन ऑफ ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ये चला ये इशू. तो हम इन चीज़ों को क्यों इंटरलिंक कर रहे हैं? इंग्लिश में क्या मतलब इतनी ना अहली कहाँ से आ गई कि हम लोग दो लैंग्वेज एक साथ नहीं सीख सकते? पूरी दुनिया में दो लैंग्वेज बोली जाती हैं. हाँ, हमने इसको एक इशू बना लिया, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल उधर से ही आया है, काफ़ी चीज़ें वहाँ से आई हैं, क्वींस कॉन्स्टिट्यूशन पर हम चल रहे हैं. ठीक है, आपकी बात बिल्कुल बजा है. वर्ल्ड वॉर टू में जब जापान पे अटैक्स हुए हिरोशिमा एंड नागासाकी, वो हमारे बाद ही आए हैं. आपको ये पता है कि वहाँ पर कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता. आप फ्रांस चले जाएँ तो फ्रांस में कोई फ्रेंच के अलावा अगर आप कोई और ज़बान बोलते हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, वो सीधे मुंह आपको जवाब तक नहीं देते. अमेरिका आप चले जाएं तो पोर्चुगीज़ मैक्सिकन्स वहाँ पे चूँकि काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं तो स्पेनिश भी वो थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, लेकिन वो अपनी पहचान नहीं भूलते. जो सवाल यहाँ पर चल रहा है वो ये चल रहा है, आप कितने उर्दू अदब के कितने नए शायर को जानते हैं अभी जिनके नाम आपको याद हों? कोई है? I don't think so. क्यों सर? द आर्गूमेंट इज़ कि आप जिन चीज़ों के रेफरेंस दे रहे हैं, आप जैपनीज़ की, वो एक मैकेनिकल स्टेट है. मैकेनिकल स्टेट वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनी है, वो ख़त्म हो चुकी थी, बट दे रोज अगेन. सर यू हैव टू फॉलो द लैंग्वेज, यू हैव टू फॉलो द हेजमोनिक स्टेट्स. ठीक है, तो हम उर्दू के साथ क्या करें? ठीक है, मतलब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ उठाएं ही नहीं. अगर एक राइट आपको दिया गया है स्टार्ट से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में, अगर एक राइट हमें दिया गया है, आपको ये पता है कि आपको ये राइट दिया गया था कि उर्दू आप ले सकते हैं, आगे जा सकते हैं, इंग्लिश को छोड़ दें? सर उर्दू कोई एक ज़बान नहीं है जो ऑल ओवर द पाकिस्तान बोली जा रही है, उर्दू के अलावा बहुत सी ज़बानें हैं. मैंने अपने पैनल से सवाल भी यही किया है कि आप पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में चले जाएँ, उर्दू बोली ही नहीं जाती. आप थर चले जाएँ, किसी के साथ उर्दू बोल के देख लें, अगर आपको जवाब मिला तो फिर आके मुझसे बात कर लीजिएगा. एंड सर यू हैव द टॉपिक ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इट्स इम्पोर्टेंस एंड you do not have any member from the department. It's not about the importance, it's not about the importance, it's about our right. Were we not supposed to choose this right when we were given the independence apparently? And if we are an independent nation, it is our responsibility
टू टेक दैट लैंग्वेज एंड बी प्राउड ऑफ दैट लैंग्वेज. मैं अभी आपसे अंग्रेज़ी में ये सारी बात कर चुका हूँ, आप मुझे यूं करके देख रहे हो. मैं उर्दू में ये करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता, और आप दूसरा कोई भी हो वो इतना इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है इस बात को. दिस इज़ द बेसिक कॉज. दूसरी चीज़, एक स्टेटस सिंबल बन गया है ये. मतलब अगर अंग्रेज़ी बोली जाती है, कोई बोल रहा है, तो हम बोलते हैं ओए यार कितना लाइक बंदा है. वही बात कोई उर्दू में करे उससे लाइक बंदा करे, हम नहीं समझते उसको लाइक. क्यों? Why is it a, don't you think it's a status symbol in our country? It is. Isn't that wrong? Somehow. You've got your answer. जी, next सवाल. सर मेरा ये सवाल है, जिसना भी सर डिस्कशन कर रहे थे, हम इंग्लिश बोलना यूज़ करना इसलिए करते हैं कि लिटरेली लगता है, प्राउड फील करते हैं, लेकिन ये हमने क्या मीडिया से नहीं इनहेरिट किया? हम जो ड्रामों में सीरियल्स में चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पे यूँ क्या ये दिखाया जाता है, ये कल्चर, ये जो आजकल हम लोग अप्लाई करते हैं, इवन मैंने जिसमें अप्लाई और इवन दोनों लफ्ज़ यूज़ किए हैं, ये सारे इसी तरह हैं कि हमने वहाँ से ट्रेंड देखे हुए हैं कि वहाँ पे हम जनरली ये चीज़ें नोट करते हैं. जी, मीडिया कोई चीज़ें कहाँ से आई? बात यह है कि हमारी बजट स्पीच 20 करोड़ अवाम के लिए अंग्रेज़ी में होती है. क्यों? अकवाम मुत्तहिदा में आपका हुक्मरान जाता है, वज़ीर आज़म जाता है, अंग्रेज़ी में तकरीर करता है. क्यों? जबकि चाइनीज़ जगह चाइनीज़ में करते हैं, इंडियन जगह हिंदी में करते हैं. ये चीज़ें मैंने कहा ना, ट्रिकल डाउन होती हैं. जिस दिन आपके हुक्मरान उर्दू बोलेंगे, फ़ख्र महसूस करेंगे, ज़बान का अपना तशख़्स बनाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हर शख्स बोलेगा, बच्चे भी बोलेंगे, फिर वो पॉलिसीज़ बनेंगी उस लिहाज से. और जो पहला सवाल किया गया, आपको बताऊँ कि दुनिया भर में कब मसीह से, हज़रत सैयद ने ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी देखने, आपने ज़बानों की मोहब्बत लोगों में मौजूद थी. वक्त कम है, वरना आपको दो चार वाक़ा सुना था, हैरान रह जाए. 40-45 हज़ार अफराद का कत्ल इस बात पर हुआ कि एक सॉन्ग प्रोड्यूस नहीं कर सके थे, और वो क्योंकि दूसरे कबीले से उनका ताल्लुक था. ज़बानें आप देखें, तारीख उठा के देखें, यूँ उभरती हैं तहरीकें, बैठती हैं, उभरती हैं. हर ज़बान ने, हर कौम ने ज़बान को अपना तशख़्स बनाया, उसको इज़्ज़त दी है, और हमें भी मेरा ख्याल देनी चाहिए, हमारी कौमी ज़बान है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज. ही हमारे पास टाइम चूँकि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मैं डॉक्टर शाजिया रोज़ का और डॉक्टर अरशद महमूद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा. एंड ऑल थैंक्स टू यू टू, आप लोग भी आए, टाइम दिया. अलामा इकबाल का एक शेर है शायद कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. अगर हम ये जान लें कि भाई ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई डोंट थिंक कि ये डिबेट होने की कोई गुंजाइश भी हो. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम.